योगी सरकार में भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते ही बीजेपी के बागपत से विधायक योगेश धामा ने बागपत की डीएम शकुंतला गौतम पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भेजकर कार्यवाही की मांग की है। बीजेपी के बागपत विधानसभा से विधायक योगेश धामा ने आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि बागपत की डीएम भ्रष्टाचार में लिप्त है और डीएम की मिलीभगत से बागपत जिले के छपरौली थाना में यमुना खादर के बदरखा गांव में जिले का एक कुख्यात बदमाश खनन कर रहा है बालू से भरे ट्रकों की, जिसकी वजह से गांव के तमाम रास्ते और खेती बर्बाद हो रही है, जिसकी शिकायत करने पर कुख्यात के गुर्गे ग्रामीणों के साथ आए दिन मारपीट भी करते हैं, जिसके चलते ग्रामीण काफी दहशत में रहते हैं। विधायक ने पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश सुनील राठी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि कुख्यात बदमाश की जनपद में दहशत है और वह पट्टा धारक को धमकाकर और डीएम से मिली भगत कर यमुना में खनन कर रहा है। फिलहाल विधायक का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भी शिकायत की है और जल्द ही मामले में कार्यवाही भी की जाएगी। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, बागपत के डीएम पर आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, खनन को लेकर आरोप लगाए, क्या आरोप है? अब ये जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस पे सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। छवि सरकार की कितनी अच्छी, लोगों को कितने विकास कार्य कितनी अच्छाई के साथ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी, सब अधिकारी नहीं है, कुछ अधिकारी सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। उनमें हमारे डीएम भी हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी शिकायत करी और माननीय विधायक छपरौल ये बड़ौत के पी मलिक जी भी थे, जिलाध्यक्ष जी थे हमारे, तो हमने उनसे इनकी सारी बातें बताई हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार हमारे जनपद में इनके द्वारा या प्रशासन द्वारा चल रहा है। अब ये खनन का मामला लगातार मीडिया, अखबार सारे आप देख रहे हो, प्रिंट मीडिया सारा छाप रहा है लगभग 2-3 महीने से कि एक अपराधी माफिया जो डॉन है इस पूरे अब तो उत्तर प्रदेश का ही कहो कि उसने किस तरीके से वहाँ पर जो वैलिड जो ठेकेदार थे उनको दबा के उन्हें डरा धमका के वहाँ पर खनन करने का काम किया कर रहा है बराबर में। और जो खनन की एक मानक होता है, एक लिमिट होती है, वो खनन की मानक वहाँ पर पूरे हो गए, उसके अलावा जो ज़मीनें हैं किसानों की, उनको ज़मीनों को जो किसान आगे रो रहे हैं हमारे पास जनप्रतिनिधियों के पास, तो हमें लोगों ने चुना है, हम सरकार में हैं तो लोग कहेंगे किसे पीड़ा कहेंगे अपनी, उनके खेतों का कटान हो रहा है, उनके खेतों से जो है वो उसका रेत का खनन किया जा रहा है और पूरा गांव, 2-3 गांव पूरे बर्बादी की तरफ हो गए, प्रिंट मीडिया में छप रहा है, आप रोज़ देख रहे हो। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस तरह की भयावह स्थिति वहां पर हमारे क्षेत्र में है और इसका एक अच्छा मैसेज सरकार के प्रति नहीं जा रहा। और तो कहीं ना कहीं ये बात आप मानोगे पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जब तक मिली भक्त ना हो तो ये काम नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं इसमें छवि हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं, हम विधायक हैं हम तीनों या दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी छवि कहीं ना कहीं इसमें धूमिल हो रही है। तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ऐसे अपराधियों के खिलाफ। अगर कोई भी नहीं बोल पाएगा अपराधियों के खिलाफ तो जनता ने हमें चुना क्या, हम जवाब क्या देंगे उनको? तो इस तरह की हो रही है। अब दूसरा विषय मैं आपको बताता हूँ, अभी डूडा में जो अपनी पीओ हैं ये इनसे वार्ता हुई कि भाई इतना घटिया सामग्री आप निर्माण कार्यों में क्यों लगा रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर हमें कहा कि विधायक जी हमें तो सारा कमीशन देना पड़ता है, ऊपर तक प्रमुख सचिव को हम एडवांस दे के आते हैं और जो है डीएम जिला प्रशासन को डीएम सबको हम इसमें कमीशन देते हैं, तो हम कहाँ से लगाएं, तो इतना घटिया सामान क्यों लगाओगे? मुख्यमंत्री जी के साफ साफ निर्देश हैं कि कोई भी काम की गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए, तो फिर ऐसा काम क्यों होगा? तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हमने मिलकर अनुरोध किया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है हमें कि इनकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषी अधिकारी पाया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से उन पर कार्रवाई होगी। जो खनन कर रहा है वो कौन अपराधी है? किस तरह उसको, क्या सरकार के किसी नेता का भी मिल रहा है या डीएम के ही चल रहा है? नहीं नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि सरकार के किसी आदमी का उन्हें से मिल रहा है, वो नहीं है, लेकिन वो अपने ही लालच दे के धन बल का इस्तेमाल करके इस तरीके से वो अपने गुर्गों को वहाँ पर छोड़ रखा है और पूरे क्षेत्र को पूरे इलाकों को एक दबाव बना के, गाँव के लोगों ने विरोध किया पहले लेकिन उसके डर से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे आदमी को फ़ोन करता है डराता है तो वो लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाते हैं कि कौन लड़ाई लड़ेगा। कुख्यात अपराधी वो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको पता ही है, उसको तो सबको पता है कि बदरखे में कौन खान चला रहा है कौन नहीं चला रहा, किसकी खाने चल रही है, तो ये सारा मुद्दा है। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और हमारी सरकार भी गंभीर है, इस तरह के अपराधियों को के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
और ये आश्वासन हमें मिला है और अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।